नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का मिल रहा है और ये फ़ोन डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा अंडर 20K में। और दोस्तों इस फोन पर एक्सचेंज बाउंस भी काफ़ी अच्छे लेवल का है, मतलब ओल्ड फोन को देकर इस फोन को बाय कीजिएगा तो आपके ओल्ड फोन का प्राइसिंग अच्छा खासा मिलेगा, प्लस में कुछ एक्सचेंज बाउंस भी है। और बैंक ऑफर अप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा एक्सचेंज करने के बाद, इसको अभी हम देखेंगे फुल लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया देखिए तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन काफी अच्छे लेवल का स्मार्टफोन है, कैमरा वगैरह इस फोन का काफी सही है, डिजाइन वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखने में ये फोन काफी यूनिक है। और जो भी एक फ्लैगशिप फोन में होता है स्पेसिफिकेशन वो सारा इस फोन में दिया गया है, इसलिए फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले इस फोन का प्राइसिंग ज्यादा था लेकिन अभी इस फोन का प्राइसिंग काफी कम है। यह फोन आपको बैंक ऑफर लगाने के बाद मिल जाएगा अंडर 20K में, जो कि एक काफी बेस्ट डील है। लेकिन एक्सचेंज करने के बाद यह फोन और भी सस्ते का मिलेगा। कैसे करना है एक्सचेंज और एक्सचेंज करने के बाद कौन कौन सा डिस्काउंट और हमें मिल सकता है, सभी को अभी हम देखने वाले हैं फुल लाइव प्रूफ के साथ। देखिए मेरे पास एक ओल्ड फोन है जो कि है इन्फिनिक्स का GT10 Pro, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस फोन को भी मैंने बाय किया था काफी कम प्राइसिंग में ही, बिकॉज मैंने ओल्ड फोन को एक्सचेंज करके बाय किया था इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G स्मार्टफोन को। यह फोन काफी सही है, इस बार मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G स्मार्टफोन को और बाय करूंगा इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन को। क्या कुछ होगा सभी को अभी हम देखने वाले हैं फुल लाइव प्रूफ के साथ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसका जो बेस वेरिएंट है इसका प्राइसिंग अभी रखा गया है 22,000, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद इस फोन का एक 12GB वाला भी वेरियंट है जिसका प्राइसिंग है अभी 23,000। तो मैं यहाँ पर 8GB वाले वेरियंट को ही सिलेक्ट करता हूँ और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ जो की आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इस फोन पर जो बैंक ऑफर है उसे अप्लाई करने के बाद आप इस फोन को बाय कर सकते हो 20,000 में, जो कि काफी सही है। आपको मिलता है SBI बैंक और HDFC बैंक के साथ डिस्काउंट जो कि है 2,000 रुपए का, आप यहां पर देख पा रहे। और अन्य बैंक से भी मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा 1,000 का ही डिस्काउंट। अब चलिए मैं एक ओल्ड फोन को ऐड करता हूं और देखता हूं मुझे प्राइसिंग क्या मिलता है। तो मेरे पास है इन्फिनिक्स का GT10 Pro 5G स्मार्टफोन, इसे मैंने सेलेक्ट किया और फोन का कंडीशन काफी अच्छा है, देता हूं फ्लॉलेस। इसके बाद करता हूं नेक्स्ट, उसके बाद कुछ इस तरीके से आ चुका है प्राइसिंग जो कि है 10,000, मतलब इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G स्मार्टफोन का मुझे प्राइसिंग मिला है 10,000 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। करता हूँ कन्फर्म एक्सचेंज, इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G स्मार्टफोन है इसका मुझे मिला है 9,000 और 1,000 मुझे मिला है एक्सचेंज बाउंस के तौर पर, मतलब टोटल यहां पर एक्सचेंज प्राइसिंग हो जाता है 10,000 जो कि आप यहां पर देख पा रहे। और मुझे बता रहा कि आपको 10,000 और पेमेंट करना होगा इस फोन को बाय करने के लिए। चलिए मैं चलता हूं पेमेंट के पेज पर और देखता हूं मुझे वहां पर डिस्काउंट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। देखिए एक्सचेंज करने के बाद ये फोन काफी सही रहेगा बिकॉज यहाँ पर एक्सचेंज वैल्यू काफी अच्छा खासा मिल रहा है। जनरली इन्फिनिक्स का फोन अगर आप एक्सचेंज करके बाय कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा प्राइसिंग नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड फोन भी इन्फिनिक्स का ही हो और नया फोन भी इन्फिनिक्स का ही बाय करना हो तो आपको अच्छा खासा एक्सचेंज वैल्यू मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख पाओगे। अदर फोन के साथ मैं अगर एक्सचेंज करता हूं इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G स्मार्टफोन को तो वहां पर मुझे प्राइसिंग मिलता है 3,000 या फिर 4,000 के अप्रोक्स। अब मैं चलता हूं पेमेंट के पेज पर और देखता हूं मुझे डिस्काउंट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। आप यहां पर देख पाओगे पेमेंट के पेज पे आ चुका हूं और SBI बैंक के साथ और HDFC बैंक के साथ मुझे मिल रहा है 2,000 रुपए का डिस्काउंट जो कि आप यहां पर देख पाओगे। उसके बाद यहां पर ICICI बैंक के साथ भी डिस्काउंट है लेकिन मिलेगा 1,000 का ही। तो मैं यहां पर SBI नहीं तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा या फिर मैं जो रेस्ट अमाउंट है उसे EMI में कन्वर्ट करा लूंगा SBI बैंक या फिर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से। तो डिस्काउंट अभी मिल रहा है, एक्सचेंज करने के बाद भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। जो भी हो रहा है उसे आप फुल प्रूफ के साथ देख पाओगे। अगर आपको भी एक्सचेंज करके इस फोन को बाय करना है तो बाय कर सकते हो। इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन पर अभी डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है और एक्सचेंज करने के बाद भी आपको बैंक ऑफर मिलता है जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पाओगे। धन्यवाद।